हेलो नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों। हम सब चाहते हैं कि मेरा एक इतना अच्छा फ्रेंड ग्रुप हो कि मैं जब भी अकेला महसूस करूं या डल महसूस करूं तो मेरे फ्रेंड्स मुझे उठाने के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। बहुत बार लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कोई ऐसा दोस्त हो जो मुझे मेरे हार्ड टाइम्स में लिफ्ट कर सके, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे सोशली है, चाहे फिजिकली है। वी ऑलवेज वॉन्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल। कहते हैं इंसान एक सोशल एनिमल है, अगर उसके दोस्त नहीं होंगे, उसे बातें करने वाला कोई नहीं होगा, तो वो अपनी लाइफ में इतना खुश नहीं रह सकता, वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। उसे सोशलाइजेशन कैसे बात करनी है, ग्रुप्स के नॉर्म क्या है, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, उसे नहीं समझ में आएंगे। तो एक अच्छा दोस्त कैसे बनाना चाहिए, बहुत से लोग आके मुझसे पूछते भी हैं कि मैम एक अच्छा दोस्त मैं कैसे बना सकता हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक अच्छा दोस्त बन कैसे सकते हैं और एक अच्छा दोस्त बना कैसे सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपका ऐसा जो फ्रेंड जिसके दोस्त नहीं है, वो बार बार आपको बोलता है कि मैं नहीं बना पाता हूँ, आपके बच्चे हैं आपको लगता है, आपका बेटा है जो बेटी है कंप्लेन करते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन पाते, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। इसे शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी काउंसलर डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। बात कर रहे थे कि अच्छे फ्रेंड्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर वन, बी अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि हम घर बैठे रहे हैं और अपने आप पानी मेरे पास आ जाएगा और मैं उसको पी लूँगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू बी अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि मैं घर बैठा रहूँ और दोस्त अपने आप मेरे पास चलकर आएंगे नए नए और मुझे कहेंगे चलो हमारा दोस्त बनो, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू लुक फॉर प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन मीट न्यू पीपल। अगर आपकी कोई हॉबी है, लेट्स से आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होना अच्छा लगता है, तो उन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करें। अगर आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, आप ग्राउंड में चले जाएं, आप पार्क्स में चले जाएं। अगर आपको गेम्स खेलना अच्छा लगता है, तो बहुत सी गेम्स हैं जहाँ पे एक सोशल मीडिया का पूरा ग्रुप बना होता है, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक पे होना बहुत पसंद है, तो वहाँ पे भी आप अपनी फेवरेट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। At least you need to be available for new people if you wish to make friends of your league. Point number two, smile and be open to them and follow up. ज़रूरी है, अगर आप एटलीस्ट किसी से पहली बार मिल रहे हैं, आप उसे स्माइल कर रहे हैं, उसको ऐसा जेस्चर दे रहे हैं कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। लेकिन ये बात मैं चाह रही हूँ कि लंबे समय तक हो, ये बात एक जगह आके रुक ना जाए कि बस बात हुई और ख़त्म हो गई। आई ऑलवेज वॉन्ट कि कंटिन्यूएशन में रहे, तभी वो दोस्ती लंबी चलेगी। और कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी है फॉलो अप। अगर फॉलो अप नहीं होगा, वट यू कैन डू इज आफ्टर डूइंग अ कन्वर्सेशन यू कैन टेल देम हाई आई एम नेहा एंड I live there and I do so. If you wish to be connected with me, this is my number. And it doesn't means कि वो follow up उससे शुरू होना चाहिए, वो follow up आपसे भी शुरू हो सकता है। आप खुद कोशिश कर सकते हैं कि आप उन्हें एक मैसेज करें, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस करें, नॉर्मल मैसेजेस करें, जिससे वो आपसे कनेक्टेड रहें और आपके वो एक अच्छे दोस्त बन जाएं। सो फॉलो अप इज नेसेसरी। पॉइंट नंबर थ्री, ट्राई कनेक्टिंग टू द पीपल हुम यू नो। बहुत बार ऐसे होता है कि लेडीज़ के साथ यूजली ऐसा होता है कि वो कंप्लेन करती हैं कि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, जबकि उनके नोन में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। लेट्स से आपका बच्चा है, तो ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो आपके बच्चे के क्लास में ही हैं, तो क्यों ना हम उन पेरेंट्स से बात करना शुरू करें। यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल यू इंटरैक्ट डेली। इट इज़ सेड दैट इट इज़ यूजली थ्री काइंड ऑफ फ्रेंड्स वी यूजली मीट। देयर इज़ वन इज़ कॉल्ड रेगुलर फ्रेंड, जैसे हम किसी कॉलेज
कॉलेज में जा रहे हैं या कहीं बाहर जाते हैं, लेट्स से पेरेंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड रेगुलर फ्रेंड्स. देर इज समथिंग विच यू कॉल सोशल फ्रेंड्स, कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आप उनके साथ बहुत डीप हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, दिस इज कॉल्ड योर बेस्ट एंड सोशल फ्रेंड. टाइप नंबर 3 इज हाई बाय फ्रेंड्स. कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं गली में आप निकल रहे हैं या आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग हैं जिनको आप हेलो हाई करते हैं. दीज आर सम पीपल हु इज लाइक योर हाई बाय फ्रेंड्स. सो यू नीड टू कैटेगराइज, यू नीड टू एटलीस्ट मेक अ ग्राफ कि मैं दोस्त बनाना चाह रही हूँ, किसको मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा है, मेरी लीक का है, मैं इससे दोस्ती रख सकती हूँ और वो मुझे कहाँ मिलता है, वो मेरा रेगुलर फ्रेंड है, हाई बाय फ्रेंड है, कैसा फ्रेंड है और मैं उससे किस तरह की कितनी क्लोज दोस्ती रखना चाहती हूँ. नंबर 4 एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज अप्रिशिएट. देखिए, अगर आप किसी से चाहते हैं ना कि वो मेरे से कम्युनिकेट करे, मेरे साथ बना रहे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनकी स्किल्स को अप्रिशिएट करें. ऑल दो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेल देम व्हाट इज़ रॉन्ग, बट हमेशा स्टार्ट करें जो चीज़ उनमें अच्छी है. अगर आप किसी से मिले हैं और आप उनसे लंबा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें अप्रिशिएट करते चलें कि आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, सर आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं. वंस यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देयर स्किल्स, दे विल डेफिनेटली स्टे इन टच विद यू. और ये एक रूल है कि जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो आपके साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टिप टू गेट कनेक्टेड टू द पीपल अर्ली. टिप नंबर 5 एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप टू फॉलो इज लिसन टू देम, बी देयर सपोर्ट. देखिए, मैं भी एक ऐसा दोस्त चाहती हूँ जो मेरे सुख दुख में मुझे सुने. बहुत बार हम एक ऐसी आपाधापी में, एक ऐसे रश में फ्रेंड बनाते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत है, इसलिए हम एक गलत दोस्त ऑप्ट कर लेते हैं. बहुत लोग एक रिलेशनशिप से टूटने के बाद भागते हैं एक और दोस्ती करने के लिए, एक और रिलेशनशिप में जाने के लिए, और वो अल्टीमेटली गलत ट्रैप में फंस जाते हैं. होल्ड करिए, सोचिए, समझिए और अवेलेबल रहिए. बहुत बार हमारे दोस्तों को सिर्फ सुनने की ज़रूरत होती है, समटाइम्स यू जस्ट नीड ईयर टू गिव देम. तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ही सुने, आपको भी इक्वली अवेलेबल रहना पड़ेगा लोगों को सुनने के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, ताकि वो आपके अंदर एक ऐसा साथी ज़रूर ढूंढ पाएँ और आपके साथ लंबे समय तक कनेक्टेड रहें. तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू मेक फ्रेंड्स. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, प्लीज जस्ट लीव इन द कमेंट सेक्शन. अगर फिर भी आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में छोड़िए. बहुत ऐसे टॉपिक्स लेकर मैं आपके साथ जुड़ती रहूंगी. इससे पहले कि आपसे कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने कहा है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर जरूर करना है.